कि हम नहीं बोलते, हमसे वो बुलवाता है। जितने गीत हुए वो सारा कलाम ही तो था, क्योंकि जब खुदावन के खादम आप सबसे बात कर रहे थे, मैं एक चीज सोच रहा था कि हम नहीं बोलते, हमसे वो बुलवाता है। लेकिन मैं बैठे बात सोच रहा था कि कलाम तो वो है जो हो चुका, लेकिन फिर भी बाइबल का पूरा ऐसे कर सकूं। जब खुदा का कलाम खुलता है तो खुदा के आसमान खुलता है। माँ बाप के हवाले से बड़ी प्यारी बातें हो रही थी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में थी बात बड़ी देर से, मैं अक्सर लड़कों से बातें करता रहता हूँ। मैं बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, वेदियाँ, जब जहाँ पे भी मुझे भेजा जाता है, बड़ा प्यार मिलता है लोगों का, लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। लेकिन फिर मैं एक बात सोचता हूँ कि आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, खुदावन मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ये सारा जो क्रेडिट है वो माँ बाप को जाता है। शायद हो सकता था कि अगर हम वो बातें ना सुनते जो हमें बचपन में सिखाई जाती थी, शायद हम माँ बाप के साथ वक्त ना गुजारते जो आज इस जगह पर ना होते। बातें सुनी आज बोल रही। मैंने जैसा कि पहले बताया, कलाम वो कलाम ही था जो हम सुन रहे थे, वो खुदा का कलाम ही था, वो जो बातें दिल से निकल रही थी वो कलाम ही था। लेकिन फिर भी खुदा उनके बुजुर्ग कलाम में से जो आज की तलावत है सिर्फ 5 से 10 मिनट, क्योंकि जिस जगह पर ये बुजुर्ग कलाम खुलता है, मेरा आज ईमान है कि आज खुदावन अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को आज के कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा कसरत से बरकत देगा और इस जगह से सब बरकत पा कर जाएंगे। खाली झोलियां यीशु मसीह के नाम से भरे हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम आज तलावत करेंगे। पहला करिन्थियों 13 बाब उसकी पहली आयत आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं। बहुत दफा हमने इस आयत के मुतालिक सीखा, बहुत दफा हमने इस आयत से बरकत पाई। जैसा कि मैंने बताया, इंसान नहीं बोलता, खुदा बुलवाता है। खुदा बुलवाता है जो वो अपने लोगों से, अपने बच्चों से बात करना चाहता है। हम खुदा के बुजुर्ग कलाम में से तलावत करेंगे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती बुजुर्ग कलाम की तलावत किए जाने को कलाम। बड़ी खूबसूरत आयत है ये, जहां से हम आज बरकत पाने को। मोहब्बत जिक्र किस चीज का है? मोहब्बत किसका है? मैं अक्सर एक गल करना, जो मैं अपने मुंडिया ना बहना, अपनी यूथ ना बहना, मैं कहना आजकल तो फोन ही चिट्टे हो गए ने, आजकल वो वक्त रहा ही नहीं। आजकल तो एक बात सोच रहा था, पुराना वक्त होता था जो काम तो थके आना, नहा धो के की करना, बाहर निकलना, अपने यारा नाल मिलना, दोस्तों ना बुजुर्गों च बहना, गल्लां करनिया, की मिलता सी? रूह नूं सकून मिलता, उन अंदरों ही आवाज दे दी घर नहीं। और जिन्हों
ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ये मैं आज जो बातें करना चाहता हूँ आपके सबके साथ वो हकीकत हकीकी बातें सच्ची कि आज कल पहले सब मिलते थे आपस में बैठते थे ज़ेन सुकून में हो जाता था थकावट खत्म हो जाती थी। आज डिप्रेशन परेशानियां हमें छोड़ती नहीं। क्यों? मोहब्बत खत्म हो गई। आरजी टेम्परेरी मोहब्बत टेम्परेरी मोहब्बत सिर्फ दिखावा सिर्फ दिखाने के लिए हम प्यार करते हैं लोगों के साथ। हमारे दिल बहुत दूर होते हैं। मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा। मुझे पता है चिल्ड्रन चैपल की पीस या बहुत बाबर का पीस है लेकिन मुझे ये पता है बहुत सारे मेरे बहन भाई फैक्ट्रीज में ऑफिस में घरों में काम करते हैं और बहुत सारी बातों का उन्हें सामना होता है। लेकिन जब कोई आपसे बात करता है मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी। मैं जब अक्सर बैठा होता हूँ गुलाम के खादमों के साथ मैं बहुत सारी गवाहियां सुनता हूँ कि हम इधर गए ये बहन को ये मसला था हमने उनकी काउंसलिंग की हमने उन्हें बताया हमने उन्हें मसीह की मोहब्बत के बारे में बताया और आज वो घराना खुशहाल है। इसीलिए ये बातें आपके लिए आपके आपके लिए नहीं क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं आप तो प्यार करने वाले हैं। ये बातें जब आप जाते हैं आप बताएं लोगों को हमारी परेशानियों की वजह क्या है आप बताएं लोगों को ये डिप्रेशन क्यों है आप बताएं लोगों को चेहरे पर ये हकीकी मुस्कुराहट कैसे आए। कब आएगी? जब हम मोहब्बत असल मोहब्बत अक्सर लोग कहते हैं मसीह में मोहब्बत है। मसीह में मोहब्बत नहीं बल्कि मसीह क्या है यीशु क्या है यीशु मोहब्बत है। जब हम यीशु मसीह का नाम अपने होंठों से लेते हैं तब भी हम बरकत पाते हैं। जब हम उसकी बात करते हैं तब हम बरकत पाते हैं। जब हम उसका जिंदा कलाम गौर से सुनते हैं तब हम बरकत पाते हैं। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह मोहब्बत। जब हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को उठार लेते हैं जब हम उसकी बातें करते हुए नहीं थकते हैं तब हमारी घरानों में तब हमारी जिंदगियों में वो हकीकी मुस्कुराहटें आती हैं जिनकी हमें जरूरत है। हम एक अच्छा खुशहाल परिवार बन सकते हैं हम एक अच्छा खुशहाल खानदान बन सकते हैं लेकिन सिर्फ अगर हम क्या करें हम मोहब्बत रखें। मोहब्बत क्या है? फिकर। जिन्ना नाल असीं प्यार करने उन्हां दी असीं की करने जिन्ना नाल असीं प्यार करने उन्हां दी असीं की करने। मैं बड़ी प्यारी बात खुदाम के खादम की जगह पर बोल रहे थे कि दिन त्यार आवे ना ईद आवे क्रिसमस आवे ईस्टर आवे दूर दूर जाके लोगों के घर च केक देके ना नाल अपने भरा के घर नहीं जाना। कभी हमने ये सोचा कि कभी क्योंकि हर घर एक जैसे सब घर एक जैसे होते हैं कदी कदी होंगे घर च प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कदी कदी होंगे घर च एक कदम वक्त आता है कि पैसे नहीं होंगे हर घर में। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की है क्या मेरे भाई ने आज कुछ खाया होगा कि नहीं? कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि मेरे भाई ने कुछ खाया है उसके बच्चों ने कुछ खाया होगा कि नहीं? जब हम चीजें छुपाते हैं मैं कहता हूं अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं बताएं लोगों को। हमारा खुदावन हमारे घरों में हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। अगर हम छुपा छुपा के करें अगर ऐसे लोग तो लुका लुका के करिए अंदर च कड़ी बड़ी गल है। लोगों को पता चलना चाहिए हमारा खुदावन कितना अच्छा है। लोगों को पता चलना चाहिए हमारा खुदावंद कितना प्यार करने वाला है। लोगों को पता चलना चाहिए जो जिंदगियां जो घराने
यीशु के साथ चलते हैं उनके घरों पर खुदावन का हाथ झलकता है। ये वो बातें हैं जो रोजमर्रा की है। मैं भी बहुत सारे घर देखता हूं, मैं भी बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मुझे बहुत सारी बातें अंदर से सुनने को मिलती हैं। हमें फिक्र करनी होगी, आजी नहीं, दिखावा नहीं। मैं यकीन जाने मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मैं ये बात जो करने लगा हूं, आप सच्ची मोहब्बत करके देखिए लोगों से, आप सच्ची मोहब्बत करके देखिए अपने बहन भाइयों से, आप सच्ची मोहब्बत करके देखिए अपने रिश्तेदारों से, आपके हालात यीशु मसीह के नाम से बदल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन क्या करना है, हमें फिक्र करनी है। अपनी फिक्रें नहीं खत्म होती है, दूजा भी खत्म करिए। सच है ये, बिल की टेंशन, घर के खाने की टेंशन, ये टेंशनें रहेंगी, ये टेंशनें पहले भी थी। पहले की रोटी, पहले लोग की रोटी नहीं सिखाते, नहीं सिखाते कि पहले लोग की कमा तो नहीं सी जाते, पहले लोग मेहनत नहीं थे करते। मैं कहता हूं पहले ज्यादा मेहनत करते थे, हमारे बुजुर्ग जो मेहनत करते थे वो तो हम कर ही नहीं सकते, जो वो मेहनत करते थे वो हम कर ही नहीं सकते। मुझे वो जब गीत गा रहे थे, खुदा के खादम अब्बा तेरी अंकल, मुझे मेरे दादा, क्योंकि हम उन्हें अब्बा कहते हैं, यकीन जाने इस सच कह रहा हूं, मैंने कभी उनके माथे पर वाटो होंगे ना स्माइली फेस, जिसने आना है उसे खुदा तुझे बरकत दे। और मैं कहता हूं जिनको बुजुर्गों की बरकतें लग जाए, खुदा उनका आसमान खादम बरकत दे। मुझे अक्सर जब मैं, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा, मैं जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा, मेरे दादा दादी ने वो जिन्हें गल्ला दस देना कि मेरी माँ सुबह सुबह उठ के गीत गाती थी, वो गीत हम सुनते थे। जब मेरी दादी सुबह सुबह उठ के गीत गाती थी तो वो गीत आज अंदर से भूलते हैं। जब मेरे दादा सुबह सुबह उठ के दुआ करते सी तो आज वो दुआवां असर बखा रही हैं। बुजुर्गों की दुआएं, लेकिन बुजुर्गों की दुआएं तब लगती हैं जब हम बुजुर्गों के पास बैठते हैं, जब हम बुजुर्गों को प्यार करते हैं, तो उदो बुजुर्गों की बरकत लग जाती। मैं ये सच कहता हूं जिन्होंने बुजुर्गों की बरकत लग जा उन्होंने बारे में नहीं आगे बढ़ना। हमें अपने बुजुर्गों से प्यार करना चाहिए, हमें अपने बड़ों से प्यार करना चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों से प्यार करना चाहिए। यीशु मसीह मोहब्बत है, मुझे क्या करनी है, फिर अपने घरों के साथ देखिए। जब हम सिर्फ मसीह को अपनी जिंदगी में रखते हैं, जब हम सिर्फ मसीह के बारे में सोचते हैं, जब हम यीशु के बताए हुए बातों पर अमल करते हैं, उसके वादों पर चलते हैं, उदो खुदावंद साडे घरानियां दे हालात की करदा बदल जाए। ये जरूर सोचा करें कि आप कौन हैं, ये जरूर सोचा करें कि खुदावंद आपको कितना प्यार करता है। जब आप कोई भी लफ्ज बोलते हैं तो सोचा जरूर करें कि खुदावंद हमें कितना, और हम जो बात करते हैं वो हम लोगों को बता रहे होते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में सर होकर बोलता है। लास्ट बात करूंगा कि डिप्रेशन ये क्यों आता है। वो डिप्रेशन तब होता है जो साढ़े जेना की बहुत सारी गल्ला की होंदिया ने, परेशानियां, मुसीबतें। बात फिर वहीं पे आती है कि जो असं एक दूजे तो नफरत करते हैं तो डिप्रेशन साढ़े कारना चो जा सकता है, परेशानियां हमारी जिंदगी को छोड़ सकती हैं, नहीं छोड़ सकती, मसाइल हमारे घराने को नहीं छोड़ सकते। उन जिंदगियों में खुशहाली रहती है, उन घरों में यीशु रहता है जिन जिंदगियों में मोहब्बत और जो खुदावंद को अपनी जिंदगियों में लेकर चलते हैं। आखिरी बात कि अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करे, अगर हम चाहते हैं मुस्लिम साहब हमारी जिंदगियों से निकल जाए, और से सुनिएगा इस बात,
क्योंकि ये वो बातें हैं जो रेगुलर, ये वो बातें हैं जो बहुत सारे घरों के मसले हैं, ये वो बातें हैं जो हमें तरक्की नहीं करने देती, ये वो बातें हैं जो हमें मुस्कुराने नहीं देती, ये वो बातें हैं जो हमें 24 घंटे परेशान रखती हैं। जब तक हम अपनी जिंदगियों में से हसद को नहीं निकालेंगे, जब तक हम अपनी जिंदगियों में से ये सारी बुरी बातों को नहीं निकालेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम जितनी मर्जी दुआएं करवाएं, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूं, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, किस बात की कमी है, किस बात की कमी है मुझ पर कि मैं बहुत सारे पैसे भी कमाती हूं, मेरी अच्छी सैलरी है, लेकिन खुशियां नहीं है, बरकत नहीं है, बहुत पैसा, 50,000, 60,000 रुपया मैंने सैलरी सुनी है, 70,000 रुपया, लेकिन बरकत नहीं है। बरकत तब आती है जब हम अपने जिंदगियों में यीशु मसीह को लेते हैं। ब्लेसिंग तब आती है ग्रामों में जब हम खुदावन के बताए हुए रिश्तों पर चलते हैं। बरकतें तब आती हैं जब हम अपनी जिंदगी का, जब हम अपने दिनों का आगाज यीशु मसीह के कलाम से और दुआ मांग कर करते, खुदावन आज मैं जिस जिस से बात करूं मेरे चेहरे पर स्माइल, खुदावन मैं जब जिससे आज बात करूं, मैं अपने भाई को मिलूं, मैं आज अपनी बहन को मिलूं, मैं अगर आज अपने रिश्तेदारों को मिलूं, तो मेरे अंदर से तू नजर आए, मेरे अंदर से तेरी मोहब्बत नजर आए, मेरे अंदर से तेरा जाहो जलाल नजर आए। हालेलुया परमेश्वर। मसला सिर्फ एक ही है कि हमें अपनी जिंदगियों को बदलना है। अगर तू मोहब्बत ना रखे, तू थल थनाता पीतल और झंझनाती सब दुनिया को बंद करें। मैं नहीं जानता कोई जगह पर ऐसा हो जो आज ये इकरार करे, खुदावन मुझे आज पता चल गया कि मैं क्यों परेशान हूं। मैं नहीं जानता कि कोई आज इस बात को जान गया हो, खुदावन आज से मैं तेरे साथ वादा करता हूं, आज से मैं तेरे साथ वादा करती हूं कि मैं जितनी जिंदगी जमीन पर गुजारूंगी मोहब्बत, मैं अपने खानदान को प्यार करूंगा, मैं अपनी फैमिली को प्यार करूंगा, मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करूंगा, और कभी भी इस बात को नहीं भूलूंगा। खुदावन तूने हमारी मोहब्बत